तो फ्रेंड्स, ये जो आप बोनसाई देख रहे हैं, ये भी हमारा जुगाड़ से बना हुआ बोनसाई है और सबसे ओल्डेज बोनसाई है। इसका नीचे आप ट्रंक देख के आप समझ गए होंगे कि इसका एज क्या होगा। इसका एज लगभग 10 साल है फ्रेंड्स, और हमने इस पे सिर्फ 2 साल वर्क किया है, और 2 साल वर्क करके हम इसको इस रूप में ला दिए हैं। अभी और भी आज बहुत सारा वर्क करेंगे, आगे देखिएगा आप। इसको हम सही शेप देंगे, अभी कुछ शेप हम बना चुके हैं और भी बहुत सारा वर्क करना बाकी रह गया है, तो आज हम दिखाएंगे आप लोग को इस पे वर्क कैसे किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पिछला हिस्सा, यहाँ से हमने जब हंटिंग किया इस प्लांट को, ये प्लांट किसी पेड़ में चिपका हुआ था, लगा हुआ था, उसको हमने हंटिंग करके लाया है और ऊपर कट किया था। कट करने से बहुत सारे ब्रांच आए, और ये जो अभी दिखाए वाली ब्रांच आंधी तूफान की वजह से टूट चुका था, उसमें नए ब्रांच आया है, और इसका रिपोर्टिंग भी आज करेंगे, और ऊपर हम कार्विंग भी करेंगे। अब बहुत सारा वर्क है, आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, और हमारे चैनल में आप बने रहिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आते रहते हैं, गार्डनिंग आर्ट एंड क्रिएटिविटी का वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो चैनल, आप इस चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। अब हम इस प्लांट को निकाल रहे हैं, ये 1 साल से इस पॉट में लगा हुआ था। अच्छा, रूट डेवलप हो चुका है। सबसे पहले हम इसको मिट्टी को ज़्यादा निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा हो कि आप पानी से साफ करें ताकि इसके जड़ टूटे ना। हम ये ट्रिक अपनाते हैं, इससे जड़ जल्दी टूटता नहीं है। उसके बाद हम फंगीसाइड यूज़ करते हैं। आप मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड अलग अलग ब्रांड का मिलता है, कोई सा भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। फंगीसाइड हमने जड़ पे डाला है, और कुछ देर तो हम उसमें बाल्टी में डुबा के रखे हुए थे। उसके बाद सारा जो लीफ है, सारे लीफ को हम हटा दे रहे हैं, इससे ये प्लांट जल्दी संभल जाएगा और एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम सारे प्लांट पत्ती को हटा दिए। ये जो यहाँ पे ऊपर वाले शेप को हम अभी काटेंगे तो अच्छा शेप ये आएगा, और हम कटिंग कर रहे हैं इस पे। बहुत ही सावधानी से कटिंग करना पड़ेगा, और ये आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे कटिंग किए हैं इस पे, और अब हम इसको शेप में ला रहे हैं। एक नुकीला औजार लेके हम इसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही वक्त लगा फ्रेंड्स इसको बनाने में, धीरे धीरे करते हैं हम इसको शेप दिए हैं, जिससे ये बहुत ही सुंदर नज़र आएगा जब ये संभल जाएगा तो। थोड़ा सा पहले ये ऑड लग रहा था क्योंकि उस शेप में नहीं था, अब ये बहुत ही अच्छा, जब इसके ब्रांच मोटे हो जाएंगे तो इसका बहुत ही सुंदर रूप ये दिखेगा। हम फ्रेंड्स इसके बाद इसको जब सूख जाता है, मतलब ये कटिंग हुआ जगह में हम फंगीसाइड तो लगाएंगे ही, प्लस फंगीसाइड से पहले हम इसमें फेविकोल डाल देंगे, जिससे ये सूखेगा नहीं, नरम बना के रखेगा इसके स्टेम को। ये हम फेविकोल मिला के हम इसमें फंगीसाइड डाल रहे हैं, जिससे ये फंगस भी नहीं लगेगा और ये नमी बना के रखेगा, जिससे ख़राब नहीं होगा। अब हम फ्रेंड्स इसके जो बोनसाई है उसको एक यूनिक यूनिक पॉट देना चाहते हैं। ये है जो पॉट देख रहे हैं, इसको हमने हाथों से बनाया सीमेंट से, और एक वो इसको रॉक स्टाइल में बनाया है। इसको हम दिखा रहे हैं कि पत्थर को खोद के बनाया गया है, ऐसा हम इसको शो कर रहे हैं, बट ये हमारा सीमेंट वर्क है। ये जो सॉइल देख रहे हैं, इसका हमने पिछले वीडियो में बता चुका है बोनसाई सॉइल कैसे बनाया जाता है। हमने इस पे बोनसाई सॉइल डाला है और इस प्लांट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि ये कैसे लग पाता है और दिखता कैसे। इसमें थोड़ा थोड़ा हम प्रेस उसको मिट्टी को दबा रहे हैं, और
थोड़ी सी और कवर करना पड़ेगा। तो इस पर अब जो कारपेट का टुकड़ा था उसको हम फिलअप कर रहे हैं और इसके ऊपर तक हम मिट्टी डाल देंगे। बाद में जब ये पूरी तरह से संभल जाएगा तब इस कवर को हटा देंगे और उसके बाद इसका रूट बाहर दिखेगा और कितना सुंदर नज़र आएगा, ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़र आएगा। तो देखने में बहुत ही ओल्डेस्ट प्लांट ट्री बोनसाई ट्री नज़र आएगा। और इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है हम सेप दे रहे हैं वायरिंग करके। आप तो ब्रांच के मोटाई के हिसाब से वायर ले लें और जो सेप आप देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपने आर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। आप जैसा मेन जो बड़ा सा ट्री जिस रूप में होता है वैसा आप सेप दे सकते हैं। अब हम धीरे धीरे सभी ब्रांच को वायरिंग करके सेप कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। बेस को पकड़िएगा और बिल्कुल भी हिले मत, टूटे मत। ऐसा करते हुए एक सिरे से लपेटते चलेंगे दोनों हाथ से पकड़ के। और ये जब सब ब्रांच जब मोटे हो जाएंगे तो इतना मस्त लगेगा, ये देखने में बहुत ही सुंदर नजर आएगा। बोनसाई एक आर्ट है फ्रेंड्स, आप जितना इस पे घुसोगे वर्क करोगे बहुत मजा आएगा, जरूर आप भी बोनसाई बनाएं। अब इसके बाद हम ऊपर ऊपर जो छोटा छोटा ब्रांच था, जो एक्स्ट्रा ब्रांच था, उसको हम कट कर रहे हैं, जिससे इसमें कटिंग करने से होगा ये कि और उसमें और शाखाएं निकलेगी, जिससे ये और भी घना होगा, भूसी होगा। तो ऊपर ऊपर का सारे ब्रांच हम कटिंग कर दिए हैं। जो लग रहा है कि ये ब्रांच लंबा हो चुका है और जिसमें ब्रांच आने का है उसको हम कटिंग कर रहे हैं। सभी को हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, जो जो मोटा लग रहा है ब्रांच उसी को कटिंग करें, नहीं तो वो संभल नहीं पाएगा। आप वर्क करते टाइम ध्यान दीजिएगा। देखिए हम कितना मस्त सुंदर शेप दिए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। और फ्रेंड्स ये हमारा बोनसाई का ट्री, बोनसाई ट्री ये बोधि पीपल का पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देख रहे हैं कितना सुंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद हम वाटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से पानी डालेंगे ताकि जब फर्स्ट टाइम पानी दे रहे हैं तो अच्छे से पानी डाल दिएगा ताकि वो अच्छे से वो पानी सोख ले। थोड़ा सा पानी नहीं डालना है, पूरी तरह से पानी डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये फंगिसाइड यूज़ कर ही देता हूँ जहाँ जहाँ पर मैंने कटिंग किया, ताकि वो फंगस से ख़राब ना हो। वैसे देने की ज़रूरत नहीं, फो पर भी आप दे सकते हैं, उससे होता क्या है कि फंगस से ये ख़राब नहीं होगा। मैं तो ज़रूर यूज़ करता हूँ। तो कैसे लग रहा है फ्रेंड्स हमारा ये बोनसाई ट्री? अगर आपको हमारा आज का ये काम पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा यूनिक वीडियो लेके आते रहते हैं और भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो जल्दी हम लेके आएंगे। तो चैनल में आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।